दोस्तों, अभी तक आपने एडल्ट वेब सीरीज पॉर्न और हस्तमैथुन के चक्कर में अपने जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल टाइम को ये कैसे अंधेरे कुएं में डाल दिया है, जहां से आपको बदले में सिर्फ डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी और एक मुरझाए हुए चेहरे के अलावा और कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आज आपने मुझे अपनी जिंदगी के ये 5 मिनट दे दिए तो आज के बाद आपके चेहरे पर कभी भी मायूसी नहीं होगी। तो आज आप बाकी सारे काम छोड़ के अपना 100% अटेंशन इस वीडियो पर देना। क्या आपको एक ऐसा खूबसूरत और चमकता हुआ चेहरा चाहिए जिसकी चमक दिन के 24 घंटे और हफ्ते के दिन बरकरार रहे? क्या आप एक ऐसा अट्रैक्टिव फेस चाहते हैं जिसकी चमक बाजार में बिकने वाले कॉस्मेटिक पर डिपेंड ना हो? मुझे पता है आप सभी का जवाब यस ही होगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि आखिर आपको खूबसूरत चेहरा किस लिए चाहिए? मेरी बात जरूर आपको कड़वी लगेगी, पर सच कड़वा ही होता है। कई सारे लोगों को चमकता हुआ चेहरा सिर्फ इसलिए चाहिए होता है ताकि लोग उनकी ओर खींचे चले आएं, और खासकर लड़कियां। आज इंटरनेट की फ्री और पोर्न नाम की गंदगी हर घर के नौजवान लड़के और लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। हाँ, काफी सारे नौजवान हैं ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उनमें से बहुत सारे लोग अपने वीर्य को इसलिए नहीं बचाना चाहते कि उनके चेहरे पर ओज दिखे, बल्कि उन्हें अपना वीर्य इसलिए बचाना है कि उनका हैंडसम फेस देख के लड़कियां उन पर फिदा हो जाए। वो लोग 2400 घंटे लड़कियों से घिरे रहे। अगर आज आप एक चौराहे पर खड़े होकर लोगों को ये बताएंगे कि ब्रह्मचर्य के फायदे क्या हैं, तो शायद बहुत कम लोग आपकी इस बात पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप अपनी बात की शुरुआत ऐसे करें कि बस सिर्फ 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य पालन करो और फिर आपके चेहरे पर ऐसा तेज आएगा कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां आपके पीछे पड़ जाएगी, तो हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ऐसे पागल हो जाएंगे जैसे उनके जैसा बड़ा ब्रह्मचारी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन क्या आप ब्रह्मचारी सिर्फ इसलिए हैं कि आप अपने चेहरे को चमकाकर दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब सच्चे मन से ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हैं, तभी आप सही अर्थ में अपना वीर्य बचा सकते हैं, और फिर वीर्य की 2 बूंदे आपके शरीर में ओज बनाती है, आपके शरीर को रंग, रूप और अलौकिक शक्ति देती है। पोर्न ने आज हमारे यूथ को कमजोर बना दिया है कि कई सारे लोग तो 24 घंटे भी बिना पोर्न देखे, बिना हस्तमैथुन किए नहीं रह सकते। जब आप 1 महीने तक पोर्न से दूर रहते हैं, हस्तमैथुन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य के सारे नियम फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ऐसे ही अगर आप 60 दिन तक ब्रह्मचर्य पर टिके रहते हैं और किसी तरह से वीर्य नाश नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में काफी सारे बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट ना होना, ना किसी माइनर प्रॉब्लम से डरना, ओवर थिंकिंग ना करना, और बिना किसी खास कारण के अंदर से अंदर खुश रहना। और फिर ऐसे ही जब आप 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब वीर्य ओज बनाने लगता है। धीरे धीरे उस ओज की वजह से आपके चेहरे पर एक चमक दिखने लगती है, आंखों में तेज नजर आने लगता है, और यह सब चीजें तब पॉसिबल बनती है जब आप ब्रह्मचर्य को सिर्फ हैंडसम बनने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए अपनाते हैं। जरा सोच के देखो एक बार, आपने अब तक अपने चेहरे को एक फिल्म स्टार की तरह चमकाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा? दादी नानी के नुस्खों से लेकर बाजार में मिलने वाले महंगे ब्रांडेड क्रीम भी आपने अपने चेहरे पर कई बार लगाई होंगी, लेकिन क्या आपको फेस पर एक लॉन्ग लास्टिंग ग्लो मिला था, फिर यह एक नेचुरल चमक दिखी? क्या सच में आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दुनिया की करोड़ों कॉस्मेटिक कंपनियां आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि गोरा चेहरा, चमकता चेहरा 2 अलग अलग चीजें हैं? गोरा चेहरा तो आप कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करके भी पा सकते हैं, जैसे कि फिल्मों और सीरियल में एक्ट्रेस के चेहरे को पाउडर लिपस्टिक लगा के गोरा बनाया जाता है, और अक्सर लोग उस झूठे गोरेपन के पीछे पागल हो जाते हैं। पर यह बनावटी गोरापन सिर्फ 24 घंटे भी नहीं टिक पाता, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्य रक्षा के बाद ओज से आपके चेहरे पर जो चमक मिलती है, वो दिन के 2400 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ऐसे ही बनी रहती है। जो इंसान वीर्य की हर एक बूंद की कीमत समझ लेता है, वो एक सच्चा ब्रह्मचारी बन जाता है। उसके चेहरे पर तेज के साथ साथ आपको एक नेचुरल आकर्षण भी दिखता है। अगर ऐसा कोई ब्रह्मचर्य आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो आप सिर्फ उसके चेहरे को देखकर अपने आप ही हिप्नोटाइज हो जाएंगे। और इस बात पर द बेस्ट एग्जांपल है भगवान श्री राम। जब भगवान श्री राम 14 साल के निवास में थे, तब एक दिन शूर्पनखा वहां से गुजर रही थी। श्री राम को देखते ही उन पर इतनी मोहित हो गई कि खुद को सामने से उनके पास शादी का प्रस्ताव लेके आ गई, क्योंकि भगवान श्री राम संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे। ये रही सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर दिखने वाले तेज की शक्ति। यहाँ तक आपने वीडियो देखने के बाद आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा को अपना लाइफ टाइम गोल बना लेंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य का रास्ता काफी मुश्किल लगता है। या तो सिर्फ उन्हें पोर्न और हस्तमैथुन की दुनिया सबसे बड़ी खुशी लगती होगी, और इसीलिए ऐसे लोग ब्रह्मचर्य का रास्ता नहीं अपना पाते। लेकिन हाँ, अपने चेहरे को चमकाने के लिए दादी माँ के घरेलू नुस्खे पर अपना टाइम और बाजार में मिलने वाले कॉस्मेटिक्स पर अपना पैसा जरूर बर्बाद करेंगे, लेकिन फैक्ट तो ये है कि गोरापन पाने के चक्कर में सारा ध्यान सिर्फ बाहर की ओर लगा देते हैं, जबकि कील, मुहासे और बाकी स्किन प्रॉब्लम्स की जड़ तो आपके अंदर है। जब शरीर के अंदर ही ऊर्जा नहीं होगी, तो बाहर कैसे दिखेगी? देखिए, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। वीर्य जब शरीर से बाहर नहीं जाता है, तो धीरे धीरे उसमें से ओज बनता है, और वही ओज आपके चेहरे को नेचुरल गोरापन देने का कारण बनता है। आप चाहे बाजार में मिलने वाले कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद लो, आपको लाइफ टाइम के लिए ऐसी चमक तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा।
जो वीरे की कुछ बूंदों से मिल सकता है। देखो भाई, जब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हो तब आपको काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ता रहता है उसे आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलती है। तो आप भी मायूस होना छोड़ दो, आप अभी ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार खुद पर भरोसा करके देखो। अगर विश्वास हिमालय की तरह मजबूत हो तो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। तो बस आप अपने दिमाग से ये बात निकाल फेंको कि मुझसे ना हो पाएगा, और सिर्फ एक चीज को अपना जीवन मंत्र बना लो, यस आई कैन डू इट। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।